नेहा बस बानर भाई हनुमान। जब श्री भोले बाबा ने देखा ये रुद्र शरीर से शिव शरीर से मैं प्रभु का सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने प्रेम में वशीभूत होकर के ये शंकर जी की रूप छोड़ करके उन्होंने श्री हनुमान बन कर बोले श्री हनुमत लाल की। जब शंकर जी तैयारी हो रहे थे आने के लिए, अब देखना इस जगत में जब कहीं पति जाने के लिए तैयारी हो ना, पत्नियां पहले ही धन बनकर तैयार रहती और पहले से ही पति अगर कहीं कहीं मेला देखने के लिए जाए कहीं अच्छे पत्नियां पहले से ही साथ भेज कर तैयारी बैठी। अभी माँ पार्वती भी तैयारी बैठी, अरे भोले बाबा जा रहे हैं प्रभु राम की सेवा के लिए मैं भी चलूंगी। पार्वती बोली मेरे को भी साथ ले चलो। बोले देखो इसी अवतार में तेरा कोई काम नहीं। बोले क्यों? बोले ये जो अवतार में ना मैं ब्रह्मचारी बन करके जाऊंगा और जो ब्रह्मचारी होगा स्त्रियों से क्या मतलब, क्या मतलब? नहीं। कोई मतलब नहीं, इसलिए तू जा नहीं सकती। लेकिन पार्वती मानी ली मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी और बैठ गई तो मैं जाऊंगी। इतने में बोले कैसे जाऊंगी? बोले आपका पूछ में बैठ जाऊंगी, आपकी पूछ में बैठ जाऊंगी। इसलिए हनुमान जी की पूछ में कौन है? पार्वती। इसलिए रावण ने जो मेघनाद ने हनुमान को बांध करके ले गया आग कहाँ लगाई? पूछ में। पूछ में कौन बैठी? पार्वती। अगर पार्वती में आग लगा तो क्या होगा? पूरा लंका जला कर राग बना दिया। वो माँ देवी है ना, इसलिए उन्होंने पूरा लंका जला दिया, पूछ में आग लगाई तो है। इसलिए हनुमान जी कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। भगवान राम तो भगवान है, लेकिन होने पर भी दुनिया तो प्रभु राम बगैर नहीं चलता है और राम जी हनुमान के बगैर नहीं चलते। इसलिए अब रामायण देखो, हनुमान के बगैर कुछ ही नहीं हुआ। इसलिए माता सीता को और कोई हनुमान के सिवाय कोई माता सीता को उद्धार कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान राम को लंका जाने के लिए पुल बांधने का जरूरत पड़ा, हनुमान को जाने के लिए जय श्री राम बोल करके उन्होंने समुद्र को उन्होंने छलांग लगा दिया और उन्होंने छलांग लगा करके बड़ी कुशलता पूर्वक उन्होंने लंका में प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन घुसने नहीं दे रहे थे। हनुमान जी सोच रहे थे स्त्री से झगड़ा करके कोई लाभ नहीं, क्यों? अपना काम बना लेना ये बुद्धिमान का काम है, किस तरह से अपना काम बना लो। इसलिए हनुमान जी छोटे बन करके घुसने चाह रहे थे, इतने में लंकिन बोले तू कौन हो, आंख में धूल झोंकना चाह रहे हो, तुम कौन हो? हनुमान जी देखा चाह रहा था लड़कियों स्त्री से कोई बात नहीं करना सही, लेकिन तो जाने नहीं दे रहे। बस हनुमान जी विशाल रूप धारण किया, मारे एक मुक्के में छक्का छुड़ा दिए, मुंह से उल्टी होने लग गई, खून की उल्टी। समझ गई मेरे को पितामह ब्रह्मा जी ने कहा था जब कोई बंदर आकर के एक मुक्का मारे तो बेहोश हो जाओगे, समझना ये लंका ध्वंस होने वाले हैं, कद में जा रही। लेकिन देखो हनुमान जी की कितने महिमा है, लेकिन उन्हें तो मारे एक मुक्के, लेकिन हनुमान जी कौन है? राम के प्यारे भक्त है, हैं? अगर कोई संत भी आपको मार भी दिया है ना, कोई संत आपको मार भी दिया उसमें कल्याण है, अकल्याण नहीं अमंगल नहीं। इसलिए हनुमान का स्पर्श होते ही लंकनी का बुद्धि बदल गई और वो साधु संघ की सत्संग की महिमा बोली, बोले तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिए तुला एक अंग।
लंगनी कहती है सत्संग के कितने महिमा, कहते हैं कि तराजू ले लो, तराजू का एक तरफ में साधु संघ की एक लव साधु संघ, एक लव साधु संघ क्या है बोले एक सेकंड, एक सेकंड को 11 भाग कर लो, एक सेकंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का एकवां भाग को एक लव कहते हैं। कि तराजू का एक तरफ में इतना समय जिसको कहते एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुण्य आद तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध, थोड़ी सी समय अगर तराजू का एक तरफ में सत्संग धर दो, दूसरे तरफ में कहते स्वर्ग सुख, स्वर्ग मोह जन तप सत्य, उसको पर में ब्रह्मलोक, कहते स्वर्ग लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तो को जो आनंद है, कि तराजू का एक तरफ में धर दो लेकिन एक लव साधु संग के महिमा को साथ में इसको बराबर नहीं कर सकते। इसलिए हनुमान के मुक्का खा करके ना उसको बुद्धि बदल गई। अगर संत अगर इसको मार भी देना उसमें कभी कितना संत हृदय न बनी थे समाना, संत कभी किसका अमंगल करते नहीं, उसका थप्पड़ भी हमारे कल्याण करने वाले हैं, उसका भी थप्पड़ भी कल्याण करने वाले। इसलिए मारे हनुमान जी लेकिन उसकी सत्संग की लंकनी सत्संग की महिमा बोले। फिर अंदर में घुसे, जब अंदर में घुसे हनुमान जी ऊपर ढूंढ रहे थे माता सीता कहाँ पर, सीता कहाँ पर, लेकिन हनुमान जी हठात देखा एक तुलसी की बगीचा उन्होंने देखी, बोले ये तुलसी बगीचा तो किसी संत घर में होता है, जो भगवान की भक्तों घर में तुलसी बाग, इसलिए घर घर में तुलसी की पौधा लगानी चाहिए हैं, तुलसी पौधा होगा ना हनुमान जी वहां जाएंगे, इसलिए उन्होंने देखा तुलसी की बगीचा। फिर उन्होंने उतरे, जब उन्होंने उतरे देखा वहां पर घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, क्या लिखा हुआ श्री राम, श्री राम लिखा हुआ। बोले श्री राम, अरे प्रभु का नाम यहाँ कैसे आ गया है, लगता है कोई भगत होगा, जरूर कोई भगत होगा। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़े सिख्या देते हैं, देखो सिख्या क्या है, रावण की छोटे भाई रावण राम का शत्रु, और चारों तरफ में राक्षस लोग हैं, राक्षस लोग है ना, और राम का है, राम का जो शत्रु रावण उसका छोटे भाई होकर के फिर घर को सामने श्री राम उन्होंने कैसे लिख दिया है। हाँ देखो ये चीज को अच्छे तरह समझ लो, उन्होंने बहुत सिख्या दे रही है, श्री राम कैसे लिख दिया है। एक बार किसी ने जाकर के रावण से जुगली किया, बोले रावण तुम तो राम का अपना शत्रु मानते हो, बोले हाँ, बोले राम का सबसे प्यारा भक्त घर में तो बैठा हुआ, बोले मेरे घर में कौन, बोले तुम्हारी सगे भैया विभीषण, बोले पता कैसे चला, बोले देख रे का घर को सामने क्या लिखा है। रावण भागते भागते आया, देखा सचमुच से क्या लिखा हुआ था, श्री राम। बोले विभीषण इधर आ, तो मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया, बोले कहाँ लिखा लगा श्री राम। देखो विभीषण क्या कहता है, बोले श्री राम का नाम कहाँ है, बोले क्या लिखे, बोले मैं तो अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूँ ना, उनका नाम लिख दिया। बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या, बोले रावण, रावण का पहला अक्षर क्या, बोले राम, भाभी का नाम मंदोदरी, पहला अक्षर क्या, म, श्री राम, श्री रावण और मंदोदरी, बस खुश हो गया रावण। यहाँ सिख्या देते हैं, अब कभी कभी देखना ये संसार बड़ा विचित्र है, नाम के विचित्र, अगर कोई नहीं ये जगत में कोई शराब पिए ना कोई कुछ बोलेगा नहीं, सर चुहा खेले कोई कुछ बोलेगा नहीं, मांस खेले खाए नहीं कुछ बोलेगा, कोई गलत का बीड़ी भर को कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन कोई करना शुरू कर देना, भक्ति करते, बोले ये कोई तरह उम्र हो गया भजन करने का, अभिषेक कंठी तिलक तुमने क्या पहन लिया, ये दुनिया बड़े ही विचित्र दुनिया है, गंदा काम के लिए दुनिया कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन प्रभु का भजन कर तो दुनिया उसको पीछे पड़ जाते, बोले कोई तेरा उम्र है अभिषेक क्या, गले में कंठी माला सो छोली अभिषेक क्या पकड़ लिया, लेकिन अगर बचपन से शराब पिए उल्टा पुलटा काम कर देना कोई कुछ नहीं बोला, बोले वेरी गुड बच्चा एडवांस हो रहा है, शराब पी रहा है, घुमरा है, ये बड़ा विचित्र दुनिया। लेकिन यहाँ पर विभीषण शिक्षा देते हैं, लेकिन जो भक्ति करने वालों को अपना काम अपना निकाल लेना चाहिए, अपना किसी तरह से अपना काम को निकाल देना ये बुद्धिमान का काम है, ठीक है ना बच्चों, क्या करना, हरिनाम भक्ति करना है, दुनिया को जो बोलने पर भी नहीं सुननी चाहिए है, इसलिए भक्ति। हनुमान जी कितने उम्र से भक्ति किया, बचपन से ही, हनुमान बीरा कितने उम्र से भजन की, बचपन से ही, ध्रुव प्रहलाद कितना उम्र से भजन किया, तुलसीदास कितने उम्र में भजन किया, जवानी से बूढ़े बनकर कोई नहीं किया, बुढ़ापा में भजन भजन नहीं होता है, मना कर दिया है, क्योंकि विषय विषय में रस रस पचते सब बुद्धि खराब हो जाती है, इसलिए
बोले कौमार आचार्य थे प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए है। इसलिए इतने में जो हनुमान जी जब वहां पर आए, देखा शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह, फिर हनुमान जी ने सोचा ये तो रावण है, रावणपुरी मायापुरी हो ना हो मेरे को कोई भ्रमित तो नहीं कर रहे यहाँ पर। तुलसी पौधा उगा करके श्री राम का नाम लिखवा करके शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह रखवा करके मेरे को कोई तो मोहित नहीं कर रहे। इसलिए हनुमान जी सुखमा बन करके अंदर में प्रवेश किया, जाकर देखा अंदर में विभीषण लेटा हुआ था, अजनी की रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम भगवान राम का नाम निकल रहा था। बोले भैया ये तो पक्का भगत है, क्योंकि किसी कपटी व्यक्ति की रोम रोम से कभी प्रभु का नाम नहीं निकलेगा। किसकी रोम रोम से नाम निकलेगा? जो भगवान की सच्चा भगत होगा ना उसकी रोम रोम से प्रभु का नाम निकल सकता है। बोलिए पक्का भगत है, ये कपट नहीं है, पक्का भगत है। हनुमान जी देख करके हनुमान जी बाहर आए, दरवाजा खटखटाए, फिर विभीषण उठ करके आए, फिर दोनों के अंदर में वार्तालाप हुई। वार्तालाप से विभीषण को पता चला ये हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भगत श्री हनुमत लाल जी हैं, राम के सबसे प्यारे भगत हनुमान जी। जब ये बात विभीषण को पता चला तब विभीषण एक अच्छी बात कहते हैं। विभीषण क्या कहते हैं? बोले आज मोए भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मोहि अनुग्रह किनी तो मोहि तरस हटनी। वो कह रहे हैं लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है। क्यों कहते? चारी तरफ में नरभक्षी रावण राक्षस लोग चारी तरफ हैं, राक्षस लोग है। मैं कभी सोच नहीं सकता था इनकी बीच में कहीं भगवान राम के सबसे प्यारे भगत हनुमान, इनका हमें दर्शन मिलेगा। मैं तो कभी सोच नहीं सकता, कभी मैं सोच नहीं सकता है। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कोई कृपा राम की, तभी यहाँ पर मेरे को प्रभु हनुमान जी का तभी दर्शन हुआ। इसलिए जब जीवन में भक्तों का दर्शन हो जाए फिर क्या समझनी चाहिए, भगवान मिलने का कोई देर नहीं, भगवान हमें जल्दी जल्दी ठाकुर जी मेरे को मिल जाएंगे। क्योंकि जब तक इसे भक्तों का कृपा नहीं हो तब तक भगवान की कृपा नहीं होता है। इसलिए हनुमान की कृपा से ही मेरे प्रभु राम की कृपा मिलेगा, हनुमान की कृपा नहीं होगा तो प्रभु राम की कृपा नहीं मिलेगा। इसलिए जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के भक्त है, तब विभीषण कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, तुम मेरे लिए काम कर लेना। बोले बताओ क्या करना? बोले मेरे पास में माँ है और तेरे पास में पिता है, किसके पास में माँ है? विभीषण के पास में माता सीता अशोक बैठी है, और तेरे पास में कौन है? राम जी है। अभी पिता माता का जब दोनों का मिलन होगा तभी तो काम बनेगा ना, तभी तो काम बनेगा, पिता माता जो दोनों मिल जाए। इसलिए तो मेरे लिए काम कर, मैं तेरे लिए काम कर देता हूँ, मैं तेरे को माँ से मिला देता हूँ, तू मेरे को अपना बाप से मिला देना है। इतने में उन्होंने किया कि बोले जाओ अशोक वाटिका में जाओ, वहां पर कौन बैठे हैं? माता सीता है, सीता जी को दर्शन करो। उन्होंने सीता जी के दर्शन किया। लेकिन जब विभीषण रावण को मनाए, क्या मनाए? देखो हम पुलस्त्य ऋषि के वंशधर है, हमारी ये धर्म नहीं पराई स्त्रियों को उठा कर ले आना, ये हमारी धर्म नहीं, इसलिए जाओ सीता माता लक्ष्मी उनको वापस दे आओ। जब बोले रावण ने विभीषण को उन्होंने लात मारी, लात मारी तो विभीषण लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरा। फिर उन्होंने मुकुट रख करके प्रभु राम के शरण में विभीषण आए। जब विभीषण आए इतने में बंदर लोगों ने पूछा भैया तू कौन है, तू कहाँ से आए हो? बोले लंका से। बोले तू है कौन? बोले मैं रावण का छोटा भाई हूँ। कौन हो? रावण का। बोले रावण का छोटा भाई, कल युद्ध होने वाले, ये राक्षस लोग बड़े बदमाशी है, पता नहीं ये कपट रूप में किस लिए आया, क्या करने के लिए? रावण का छोटा भाई कहते सगे भैया है, उनको रस्सी में बांध बूंद कर लाए। जब लाए इतने में देखा श्री हनुमान जी बैठे। अभी हनुमान जी को देख करके ना उनका कलर थोड़ा ऊंचा हो गया। बोले क्यों? हमारा आदमी है, जब ये लंका आया था और लंका से इन्होंने मेरे को मिला है, अरे मैंने इनको माता सीता की अनुसंधान दिया इसलिए उनको मिला है,
इसलिए ये जानता है ये कहाँ बन सकता है। हनुमान को देख कर जो हनुमान की बोले ठीक ठाक हो, विभीषण को जानते है ना, बोले ठीक ठाक, बोले क्या ठीक ठाक है, मेरे से एकदम बात मत करो, बोले क्यों, बोले तू आया था तेरे को मैंने माँ से मिला दिया था, सीता जी से मिला दिया था, तुमने कहा था बाप से मिलाना, देखो मेरे को बांध कर कैसे लाए। तब हनुमान जी ने पूछा बताओ तुमने अपना परिचय क्या दिया है, बोले अपना परिचय दिया था रावण का छोटा भैया, बोले इसलिए तो बांध करके लाए, तुम पहले तुमने पहले गलत परिचय, जो गलत परिचय दे दिया इसलिए बांध करके लाए। अगर तुम ये बोलता हनुमान का मैं मित्र हूँ फिर तेरे को ये स्वागत करके ले आते, पहले ही तुम अपना गलत परिचय तुमने दे दिया। इसका मतलब है अगर कोई अपना परिचय दे, कहो क्या परिचय दे, हम हनुमान जी की मित्र हैं, इनकी दासों का दास हैं, फिर तो राम मिलने में कोई देर नहीं, राम मिलने में कोई देर नहीं, इसलिए क्योंकि इनकी कृपा से ही प्रभु राम के चरण में इनकी कृपा से ही भक्ति मिलती है। बोले श्री हनुमत लाल की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, एक कीर्तन कर लेते और थोड़ी कथा सुनते, ठीक है। बोले रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम जय रघुपति राघव की। हाँ, और थोड़ा हनुमान जी कथा सुन लो।
हनुमान की अब रामायण में देखिएगा जितने भगवान राम की कथा है ना उतना भी हनुमान जी कथा है, उतना भी हनुमान जी कथा है, क्योंकि उनका शक्ति शैल हुआ तो गंधमार्दन पर्वत से विशल करी कौन लाए, हनुमान जी लाए हैं। उनको नागभास बंधन में बांध दिया लक्ष्मण ने, फिर गरुड़ जी को बुला कर कौन लाए, हनुमान जी लाए। राम को अगर कहीं जाना हो हनुमान जी क्या करते, कंधे के ऊपर में लक्ष्मण राम को बैठा कर क्या करते, उनको उड़ा करके ले जाते। अब देखिएगा जितने वहां पर प्रभु राम की कथा है हनुमान की कथा उतना कम नहीं, बराबर ही हनुमान की कथा है, क्योंकि कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना है। इसलिए अगर प्रभु राम की अगर कोई भक्ति बनना चाहते हैं हनुमान की कृपा से ही प्रभु राम की भक्ति उसको प्राप्त होगा है। इसलिए हनुमान जी ये अखंड ब्रह्मचर्य पालन उन्होंने किया है, प्रभु राम के लिए उन्होंने शादी नहीं किया, अपना घर गृहस्थ छोड़ दिया है, घर गृहस्थ छोड़ दिया ले ले क्यों बोले कारण है, शिक्षा दिया अगर प्रभु को सेवा करना है संपूर्ण पूरा पूर्ण एनर्जी से सेवा करना पड़ेगा है, पूरा एनर्जी से। इसलिए हनुमान जी अपना जीवन का कोई सुख सुविधा नहीं देगा, अपना कोई घर नहीं बनाया। इसलिए गुरु जी कहते थे जब माता सीता को उधार करके ले आए कहाँ पर, अयोध्या में, उनने विभीषण को समझा बुझा कर लंका भेज दिया, सुग्रीव को समझा बुझा कर किष्किंधा भेज दिया है, एक एक करके गुह का चंडाल को भेज दिया, सबको भेज दिया, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को भेजा नहीं, भेजा उन्होंने हनुमान जी को भेजा क्या, नहीं भेजा। बोले क्यों नहीं भेजा हनुमान को, सबको जो भेज दिया एक एक करके, तुम जाओ राज्य संभालो तुम जाओ देश संभालो, हनुमान जी को क्यों नहीं भेजा। कारण है इनको कुछ है ही नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, दुनिया नहीं, संसार है ही नहीं, घर द्वार मकान हनुमान का किसी नहीं, कुछ भी नहीं, और राम की सेवा के बगैर राम की भक्ति के बगैर दुनिया में इसको और कोई कुछ है ही नहीं। इसलिए जब माता सीता को उधार करके ले आए तब रामचंद्र हनुमान को बड़ी खुश हो गए, भाई हनुमान अगर तो नहीं होता है ना ये सीता जी को पता लगाना कोई साधारण बात था है। ये माँ सीता जी को उधार होता है तेरी वजह से हुई है, आज मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो कुछ मेरे से मांगना आज तो मांग ले हमसे। जब प्रार्थना किए हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत। हनुमान जी कहते प्रभु आपके चरण में बारंबार एक चीज प्रार्थना करता हूँ, बोले क्या है, बोले संतों का संगत हो और निष्काम भक्ति दो और हमें आपके चरण की सेवा, आपके चरण की सेवा हमें और किसी चीज की शिक्षा देते हैं हमें भगवान से, क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए है। ये दुनिया की जो चीज है ना दुख देने वाली, सुख देने वाली नहीं है दुनिया की चीज, ये दुख कारण सारे दुख की है। जो चीज हम सोचते हैं ये सुख देगा आप देखना वो पस्तु बात है, कोई सुख नहीं, दुख बाद दुख, लेकिन प्रभु का भक्ति प्रेम सत्संग ही जीवन का आनंद देता है। इसलिए अगर कुछ मांगना है भगवान से कहते हनुमान से हमें सीखनी चाहिए, हनुमान जी से हमें सीखनी चाहिए इन्होंने भगवान से किस चीज की प्रार्थना की। इसलिए तभी तो हनुमान जी आनंद है ना, हर समय आनंद में रहते, भक्ति में रहते हैं, प्रभु के प्रेम में रहते हैं हनुमान जी है। एक समय क्या हुआ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता ये चारों ने मीटिंग किया, बोले क्या मीटिंग किया, बोले ये बंदर ये दिन भर प्रभु राम की सेवा करता है और हमें मौका नहीं देता, सवेरे से लेकर रात तक प्रभु को पास में छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, दिन भर इनको पास में कोई चीज जरूरत पड़े प्रभु राम कहते हनुमान जी इधर आ जा बेटा ये कर लो ये कर लो, यही करता है दिन भर, हमें ठाकुर का सेवा ही नहीं मिलता है। एक काम करो, माँ सीता को बोले भैया सीता तुम घर अंदर की सेवा तुम संभाल लो, हम जो तीनों भैया बाहर की सेवा संभाल लेते हैं, ये बंदर को यहाँ निकालो, ये दिन भर हमें सेवा करने नहीं देता। बोले हनुमान जी धरा, बोले क्या बात, बोले घर से, बोले क्यों क्या हो गया, बोले तुम सारे सेवा अकेला तू करते हो हमें सेवा करने नहीं देते मौका, इसलिए आज से माता सीता जी अंदर की सेवा कर लेगी और तीनों भैया हम बाहर सेवा कर लेंगे, अब कोई जरूरत नहीं। हनुमान जी ने कहा देखो राम का सेवा ही मेरा विश्राम है, मैं राम के सेवा के बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, लेकिन हमें छोटी से छोटी एक कोई सेवा दे दो कम से कम उसी सेवा में मैं लगा रहूंगा। इसलिए हनुमान जब जा रहे थे
विशल्य करने के लिए बीच में कालने में आ गया, बोले रात को यहाँ विश्राम कर लो, अरे सवेरे जाना, बोले राम सेवाई मेरा विश्राम है, राम के सेवाई मेरा विश्राम है मेरी, इसलिए कहते मेरा विश्राम और कोई नहीं, सोना मेरा विश्राम नहीं, राम सेवा मेरा विश्राम है। इतने में बोले राम सेवा छोड़कर तो मैं रह नहीं सकता, छोटी सी छोटी कोई सेवा करो। इन लोगों ने देखा ऐसे एक सेवा दो जो चीज प्रभु के लिए जरूरत नहीं, प्रभु कोई जरूरत नहीं, ऐसे सेवा इनको दो। बोले क्या है, बोले प्रभु जब जम्भाई लेना तुम चुटकी बजाना है, यही सेवा तुम्हारी। जम्भाई किसको आता है, जिसको अंदर में नींद आ जाए, आलसता आ जाए ना, आप देना जम्भाई तभी आई, नहीं तो जम्भाई किसको आता है, शरीर में जब आलसता है तभी तो जम्भाई, नहीं तो जम्भाई आती नहीं। लेकिन प्रभु जम्भाई भगवान है ना, उनको तो कोई जम्भाई आएगी नहीं है, तब इनको कोई सेवा की जरूरत नहीं है। बोले गेट को बाहर बैठो, गेट को बाहर बैठो, जो कुछ करना वहीं पर करो। अभी गेट के बाहर में बैठा थे हनुमान जी ने देखा, पता नहीं प्रभु को कब जम्भाई नहीं आ जाए, इसलिए पहले ही उन्होंने चुटकी बजाना शुरू कर दिया है। चुटकी बजाते हुए बोले रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीताराम, चुटकी बजाना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान के अंदर में एक विशेष गुण है भक्त वत्सल, भगवान भक्तों की प्रेम में भगवान वशीभूत रहते हैं। इतने में जब उन्होंने चुटकी बजाई ना, हे भगवान राम को जम्भाई के ऊपर में जम्भाई आना शुरू कर दिया, इतने जम्भाई, जितना इनकी जो सेवा थी ना सारी सेवा बंद हो गया। क्योंकि जब जम्भाई बंद हो तब तो कोई सेवा करेंगे ना, जम्भाई तो बंद नहीं हो। वैद्य को बुलाए, वैद्य ने आकर देखा प्रभु तो ठीक ठाक, कोई दिक्कत है ही नहीं। बोले जम्भाई क्यों आ रहे हैं, बोले हनुमान जी कहाँ हैं, बोले हनुमान को हम सेवा से निकालते हैं बाहर बैठे। बोले कर रहे हैं क्या, बोले चुटकी बजा रहे हैं, जा करके बोले, बोले इसलिए तो प्रभु का जम्भाई आ रहा है क्योंकि भगवान भक्त का वशीभूत है। हनुमान जी बोले जम्भाई क्यों, तुम चुटकी को बजा रहे हो, बोले मेरे को तो बाहर निकाल दिया, मेरे को क्या पता कब प्रभु का जम्भाई आ जाए, चल पहले से चुटकी में बजाता। फिर देखा भैया हनुमान के बगैर कुछ होगा नहीं। बोले भैया ले तुम अपना सारी सेवा को, तू ले ले सारी सेवा को, तू ले ले है, हम लोग हार गए और तुम जीत गए। बोले श्री हनुमान लाल की, कहते हनुमान जी जब माता सीता को उधार करके लंका से अयोध्या आ गए, भैया सीता बहुत प्रसन्न हो गए। बोले बेटा अगर तू नहीं होता है ना, कौन ये सात समुद्र लंग करके जाता है, और मेरे को कोई पता लगा था बेटा, तेरे बगैर मैं कभी उधार नहीं होता, इसलिए मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ। मैया सीता के गले में एक गजमती हार था, बड़ी कीमती हार, मैया खुश होकर हार को उन्होंने हनुमान का बेटा तू ले ले। हनुमान जी क्या कर रहा था, उसमें जो एक एक मोती था ना, उसको मोती को ऐसे दांत में तोड़ता था और देखता था फेंक देता था, तोड़ता था देखता था फेंक देता था। मैया सीता को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले ये क्या कर रहे हो, इतने कीमती चीज तेरे को दिया ये, हाँ ये इतने कीमती मोती हो कि बंदर को आदर का स्वाद क्या पता, कहते ना आदर बंदर क्या जाने आदर का, हाँ बंदर क्या जाने आदर का स्वाद। बोले ये इतने कीमती चीज दे दिया गजमोती हार, और देखो बंदर क्या कर रहे हैं, उसको दांत में काट काट के फेंक रहा है। बोले ऐसे क्यों कर रहे हो, हाँ अनमोल है। बोले क्यों फेंक रहे हो, बोले मैं इसमें देख रहा हूँ मेरे प्रभु सीताराम का कोई छवि है कि नहीं, जिसमें मेरी प्रभु सीताराम का कोई छवि नहीं हनुमान उसको ग्रहण नहीं करता है, इसलिए इसमें कोई मेरे प्रभु का छवि नहीं, इसलिए फेंक रहा हूँ। मैया सीता बोले के बोलो बोलता है ना कुछ जीवन में आचरण भी करते हो, बोले क्या चीज है, बोले अगर ऐसे बात फिर शरीर को क्यों रख, फेंक दे शरीर को, तेरे शरीर में कहाँ सीताराम है, शरीर को फेंक दे। बोले देखना चाहते हो, बोले क्या दिखाओगे, हनुमान जी अपना छाती को उन्होंने फाड़ दिया, फाड़ दिया तो अंदर में क्या देखा, सीताराम, अंदर में सीताराम की निवास है। बोले श्री हनुमान लाल की। एक समय मैया सीता अपना अंदर महल में मैया सीता श्रृंगार कर रही थी, हनुमान सीता जी को तो अपना माँ मानता है और सीता मैया हनुमान को अपना बेटा मानता है, ये पहला बेटा कौन है मेरे, हनुमान है, हैं? इतने में जब श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार हनुमान जी तो माँ मानती है, इतने में हनुमान जी धीरे 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 अंदर में गए। बोले मैया करती हैं क्या, अंदर में देखा मैया जैसे माता ही मांग भरती है ना, मांग भरती है सिंदूर का बूंद लगाती है, मैया सीता ये श्रृंगार की। हनुमान जी ने पूछा माता जी ये क्या चीज है, आप इसको मांग क्यों भरी, ये सिंदूर एक बूंद क्यों लगाई हो। बोले बेटा ये स्त्रियों का सुहाग होता है,
बोले मैया सुहाग मतलब क्या होता है? बोले सुहाग मतलब होता है स्त्रियां इसको इसलिए धारण करती हैं पति का दीर्घायु हो, पति का जस सर्वत्र फैले, मेरे पति चिर अजर और अमरत्व को प्राप्त करे, इसलिए स्त्रियां पति की कल्याण के लिए सुहाग भरते। हनुमान कुछ बोले नहीं, घर से निकल गए। जो थोड़ी देर बाद में माता जी उन्होंने श्रृंगार करके जब चली गई ना, हनुमान अंदर में घुसे और सिंदूर का जो कटोरी था ना पूरा पूरा निकाले, अरे जितना सिंदूर था उठाए, सारा शरीर में मल दिए, हैं सारा शरीर में मल दिए। मल करके राम दरबार लगा हुआ था, हनुमान जी वहां पहुंच गए। जब हनुमान जी वहां पहुंचे, जितने सब राम दरबार में बैठे हुए थे हा हा हंस रहे थे, बोले देखो ये बंदर को सारा शरीर में क्या करके रखा, हाँ सारा शरीर में सिंदूर लगा दिया। लेकिन प्रभु राम तो जानते हैं, हनुमान की भक्ति राम जानते हैं। प्रभु राम ने पूछा, हनुमान जी ये क्या किया तुमने, ये सारा शरीर में सिंदूर क्यों लगा रखे हो? बोले प्रभु जी मैंने श्रृंगार भवन में मैया सीता को देखा श्रृंगार कर रही थी, और मैंने कहा मैया ये सिंदूर क्यों लगाती हो? बोले ये पति के सुहाग के लिए। मैंने देखा अगर माता जी एक बूंद सिंदूर और एक रेखा यहाँ लगाने पर अगर राम की जस इतना बड़े दीर्घायु हो, जगत में जस जाए, मैंने देखा मेरा प्रभु तो आप ही हो ना मेरे पति, इसलिए मैंने सोचा अगर पूरा सारा शरीर में अगर सिंदूर को पोंछ लूंगा ना, हे मेरे प्रभु राम की जस विश्व ब्रह्मांड में प्लस सियावर राम चंद्र की भगवान सुत हनुमान की, सारा दुनिया में मेरे प्रभु नाम फैलेगा। ये भगवान सुन करके राम ना हृदय भर में गदगद हो गया। देखो हम लोग श्रृंगार करते हैं ना, क्रीम लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते, क्या क्या करते हैं कि क्या किस लिए? अपना सुंदरता के लिए, है ना, सुंदरता के लिए हम सुंदरता के। लेकिन हनुमान जी को देखो उन्होंने क्या करके रखा, उन्होंने अपना कोई सुंदरता नहीं देखा, बोले किस लिए? प्रभु की सेवा के लिए, मेरे प्रभु का दीर्घायु हो, मेरे प्रभु का जस सारा दुनिया में मेरे प्रभु को जाए। इसलिए देखो हनुमान जी की कोई श्रृंगार है शरीर, एक लंगोटी पहन रखे, एक लंगोटी पहन रखे और सारा शरीर में सिंदूर सिंदूर उन्होंने पूरा का पूरा सिंदूर से पोत दिया। बोले क्यों पोत दिए? मेरे प्रभु राम की जस विश्व ब्रह्मांड में, मेरे प्रभु का जस दुनिया में जाए। इसलिए शास्त्र ने बताया जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, ये चीज को अच्छे तरह समझ लो। हम कल समझा रहे थे ना, जैसे अगर किसी ने अपना शरीर को श्रृंगार करे, बढ़िया से श्रृंगार करे और शीशा को सामने खड़ी हो जाए, देखना उसमें जो परछाई पड़ता है, जो परछाई है वो परछाई को श्रृंगार करने का जरूरत नहीं। ये शरीर को जैसे श्रृंगार करो और परछाई अपने आप श्रृंगार हो जाता है ना। यहाँ सिखा देते हैं जब प्रभु की हम भक्ति करें, प्रभु का हम प्रेम करें, उनकी सेवा करें, उनकी नाम ले, उनकी सेवा श्रृंगार करें, उनकी श्रृंगार करने पर क्या होगा? जब भगवान खुश हो जाते हैं ना, भगवान का श्रृंगार हो जाता है, वो मूल है। जब प्रभु सज गए, प्रभु का श्रृंगार कर दिया, तुम अपने आप सज जाओ, अपने आप को सजाने का जरूरत नहीं। देखो हनुमान जी करते हैं क्या दिन भर, बोलो रघुपति राघव राज आराम पति तपावन सीताराम, दिन भर प्रभु का नाम तो लेते हैं, दिन भर प्रभु राम की सेवा करते हैं। लेकिन एक चीज देखो, अब दुनिया में सारा दुनिया में जाओ, जितने प्रभु राम की पूजा होती है ना, उससे ज्यादा हनुमान की पूजा हुआ। देखो देखो यहाँ पर कोई राम का कोई मंदिर, देखो हनुमान का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। अक्सर करके आप जहाँ देखोगे ना, जितने प्रभु राम के मंदिर देखोगे उससे ज्यादा हनुमान जी का मंदिर। कारण क्या है? भगवान यही शिक्षा देते हैं, दुनिया में जितना मंदिर देखोगे भगवान के, उससे ज्यादा शंकर जी का मंदिर देखो। क्यों? शंकर ही हनुमान है, और शंकर जी भगवान, शंकर जी कौन है? कहते वैष्णव नाम यथा संभो, भगवान के सबसे प्रिय भक्त शंकर जी है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं जब तुम भगवान की भक्ति करोगे ना, जितने भगवान की महिमा होगा उससे ज्यादा तुम्हारी महिमा, सारा दुनिया में तुम्हारी उससे भी ज्यादा भगवान, तुम्हारी महिमा दुनिया में ज्यादा तुम्हारी महिमा होगी, भगवान से भी ज्यादा महिमा होगी। इसलिए हर समय क्या करनी चाहिए? प्रभु का नाम, प्रभु का सेवा, प्रभु का भक्ति करो, अपने आप तुम दुनिया में अजर अमरत्व अपने आप मिल जाओ। बोले श्री हनुमान लाल की जय। हनुमान की एक स्टोरी सुन लो। कहते एक समय भगवान राम, देखो ये सत्संग की महिमा सुन लो। बोले एक समय भगवान राम हनुमान को बोले, हनुमान बेटा कभी कभी सत्संग में जाया करो। क्या करो? सत्संग में जाया, सत्संग में जाया करो, सत्संग सुनो। इतने में हनुमान जी बोले, प्रभु सत्संग क्यों जाऊं? क्योंकि सत्संग में क्या होता है, सत्संग में यही होता है
प्रभु को सेवा करो, प्रभु का नाम लो, प्रभु की भक्ति करो, सत्संग में यही होता है ना। लेकिन ऑलरेडी मैं तो कर ही रहा हूँ, आपको दिन भर आपकी सेवा करता हूँ, नाम लेता हूँ, भक्ति करता हूँ, पर ये सत्संग में जाने का क्या जरूरत। तो भगवान ने कहा, देख बेटा जब सत्संग में जाओगे ना, तुम जितने भक्ति कर रहे हो उसमें चार चांद लग जाएगी, जितने तुम कर रहे हो ना। इसलिए कहता ना, बिनो सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। जब तक जीवन में सत्संग नहीं करेंगे, हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपना मनमानी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो भक्ति, सही भक्ति, जबकि शुद्ध भक्तों को अनुगत में जब भक्ति करेंगे ना, फिर देखना वो भक्ति हमारी सही भक्ति होगी। फिर बोले, गंदी चीज को छोड़ो, गले में कंठी धारण करो, तिलक लगाओ, भगवान की यही से पूजा करो, इसी मंत्र से भोग लगाओ, इसी मंत्र से शयन कराओ, ठाकुर को विधि विधान से, फिर उसमें चार चांद लग जाती हैं सत्संग से हैं। तब हनुमान जी ने देखा, प्रभु रोज रोज कहते साधु संग करो, सत्संग करो। एक बार सत्संग में जाता हूँ, क्या होता है? बोले कहाँ पर गए? बोले जहाँ काक भुसुंडी राम कथा नित्य निरंतर, कहते ये नीलगिरी पर्वत के ऊपर बैठी करके सत्संग काक भुसुंडी करते, और वहां पर बड़े बड़े देवता लोग भी बैठ करके, ऋषि लोग बैठ करके सत्संग सुनते। हनुमान जी गए, हाथ जोड़ करके बैठ गए, सत्संग सुन रहे थे। सत्संग में ये हो रहा था कथा, काक भुसुंडी, ये भगवान राम एक बार नहीं आए, हर कल्प में एक बार रामचंद्र आते हैं। कहते ब्रह्मा का एक दिन में एक बार प्रभु राम आते, एक बार कृष्णा, एक बार महाप्रभु आते हैं, और सत्य त्रेता द्वापर युग 1000 जब बीत जाती है, फिर भगवान राम फिर आते हैं। केवल एक बार राम नहीं आए, कृष्ण एक बार नहीं आए हैं, ये बहुत बार आए, बहुत बार गए हैं। इसलिए जो काक भुसुंडी, ये कितने भगवान राम कितने बार आ गए, कितने बार चले गए, काक भुसुंडी को सारी बात पता है। अनाद काल से बैठा हुआ काक भुसुंडी। अभी हनुमान जी गए, जब वहां पर बैठे तो काक भुसुंडी कथा सुनाए। जब रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया, इतने में हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट ने माँ सीता को उठा करके ले गया, अभी मैं दिखाता हूँ। हनुमान जी ने क्या किया, एक उन्होंने छलांग लगाई, छलांग लगा करके लंका में पहुंचे। हनुमान जी कौन है? ये शंकर ही, ये शंकर ही, ये हनुमान जी। इतने में उनको क्रोधाग्नि निकली है, क्रोध अग्नि निकली तो पूरा लंका को जला करके उन्होंने राग बना दिया। कौन सुनाए कथा? कौन सुना रहे थे? हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान जी के मन में शंका आ गया, देखो कितने झूठ बोल रहे हैं, मैं हनुमान खुद बैठा हुआ, अरे मेरी कथा और कितना झूठ है, मैंने एक छलांग लगाकर गया थोड़ी है। अब रामायण देखे है ना, बीच में तीन तीन परीक्षा आई, राक्षसी आई, मैंने पर्वत आया, क्या किया आया है, एक राक्षस ने शरीर को पकड़ लिया, छोड़ना। अब देखे होंगे रामायण, फिर लंका में पहुंचे, अंदर में घुसना चाह रहे थे, लंके ने घुसने नहीं दिया, फिर उनको मारे। उसके बाद में विभीषण से मिले, उसके बाद में माता सीता से मिले, उसके बाद में फिर उन्होंने अक्षय कुमारी से युद्ध किया, उसके बाद में फिर मेघना कर बांध कर ले गया। फिर बोले बंदर का पूछ सबसे प्यारा है, उनका पूछ में कपड़े लपेट करके मिट्टी का तेल डालकर जलाओ, तब भी जाकर हनुमान लंका जलाया ना। कहते मैं खुद हनुमान बैठा हुआ और मेरी बारे में कितने मेरे सामने झूठ बोलते, ये की बात जला दी। फिर उन्होंने जब सत्संग खत्म हो गया, घर में वापस आए, प्रभु राम ने पूछा कि हनुमान जी सत्संग में कैसी कथा सुनी? हनुमान जी को पता है कि क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, बोला सत्संग में इतने बढ़िया कथा हुई कि सुने, कभी जिंदगी में ऐसी कथा सुनी है? मैंने कभी ऐसी कथा ही नहीं सुनी है। लेकिन प्रभु राम को सब बात पता है, हैं? हनुमान जी की काक भुसुंडी की कथा में इनकी शंका हुई है, हैं? इतने में भगवान काक भुसुंडी कितने बार राम आए, राम को पता मैं कितना बार आया हूँ, एक बार नहीं आया, कितना बार राम आए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम को जो कथा है ना, है भगवान की कथा अनंत है, भगवान की कथा अनंत कथा। इसलिए आप देखना रामायण, इतने रामायण, कृतिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, और कितने रामायण रख ले, रामायण कथा अपारा, जिसका कोई पार नहीं, इतने रामायण जगत में। इसलिए हनुमान जी सोच रहे थे मैं अकेले, मैं यही हनुमान जी है, हनुमान ज्यादा और कोई है ही नहीं। इतने में भगवान राम ने उसको स्थापन करना चाहते थे, काक भूषण ने जो बताया सही बताया। इतने भगवान राम ने अपना जो अंगुल से मुद्रिका निकाल रहे थे, मुद्रिका निकालते निकालते गिर पड़ा, बोले हनुमान जी
ये मुद्रिका मेरे को उठा करके दे दो। हनुमान जब उसको पकड़ने के लिए गए ना, वो मुद्रिका भाग रहा था, हनुमान जी उसको पीछा किया लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हनुमान जी के अंदर में ये भावना थी सबसे तेज भागने वाला मैं हूँ। लेकिन वो मुद्रिका इतने तेजी से भाग रहा था, हनुमान उसको पीछे जाए ढूंढने के गुफा को अंदर में घुस गया। घुसते ही हनुमान जब वहां पर पहुंचे, देखा एक बंदर बैठा हुआ। बोले तुम कहाँ कौन हो? बोले मैं हनुमान हूँ। बोले हनुमान इतने कमजोर? बोले कमजोर क्या? बोले हमारा हनुमान तो अंदर में बैठे, विशाल का हनुमान जी, आप तो बड़े कमजोर छोटे से हो, हनुमान तो बड़े बुद्धि चतुर है। बोले भैया हनुमान और कहाँ से आ गया? मैं तो सोच रहा था मैं ही हनुमान हूँ, और कोई हनुमान है नहीं। तो उन्होंने बोले आपका हनुमान से मैं मिल सकता हूँ? बोले मैं पूछ करके आता हूँ। अंदर में गई पूछे, बोले एक छोटा सा हनुमान कोई आया, वो भी बोलता है मैं हनुमान, लेकिन उन्हें सब कुछ पता है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ले आओ। बोले ले आओ। जब ले गए देखा सचमुच से विशाल काय हनुमान बैठे हुए, और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, प्रभु का नाम ले रहे हैं, आंखों से आंसुओं की झरी बह रहा था, उसकी रोमांच और रोंगट खड़े हुए थे, प्रेम में गदगद से प्रभु राम के नाम ले रहे थे। जब ये हनुमान गए, वो हनुमान उठ करके उनका आलिंगन किया। बोले देख हनुमान, प्रभु राम एक बार नहीं आए, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार भगवान राम आते हैं। जब राम आते हैं, तुम जैसे हनुमान, वो जो काकभूषणी जो हनुमान की कथा सुना रहा था, मेरी कथा सुना रहा था, और मेरी कथा थी, मैंने भगवान राम मेरे को इतने शक्ति दिया था, एक छलांग लाकर पहुंचा, मैंने क्रोधाग्नि से लंका को जला दिया था, और मेरी कथा थी। जो काकभूषणी बैठा है ना, वो कितने करोड़ युग से बैठा हुआ, वो कितने कल्प ऐसे बीत गया, उसको कितने राम आए, सारे राम की कथा वो जानता है। इसलिए बैठा ये काकभूषणी कथा को कभी भी अनादर, कभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान राम ने तेरे को ये बात प्रमाण दिलाने के लिए तुमको यहाँ पर भेजा, जाओ वहाँ पर मुद्रिका ले जाओ। जो मुद्रिका लेने गए, देखे एक जैसे बहुत सारी मुद्रिका है, फिर हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। बोले भैया ये कौन सा मुद्रिका, इतने एक सा मुद्रिका कैसे आए? पर वो हनुमान कहते, बोले हनुमान जब जब किसी हनुमान का मन में शंका होता है ना, प्रभु उनको यहीं पर भेजते हैं। पर हनुमान जी की ना, जब हनुमान जी ने तब से हनुमान जी प्रतिज्ञा की है। बोले क्या है? मैं तो सोच रहा था मैं सब जानता हूँ, अभी पता चला मेरे कुछ ही पता नहीं। इसलिए गोस्वामी श्री वाल्मीकि कहते हैं, जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, अगर करोड़ों जगह में रघुनाथ का कीर्तन हो ना, प्रभु राम की कथा हो, हनुमान जी करोड़ रूप धारण करते हैं। कहीं आप देखना, कहीं रामायण होगा ना, सबसे पहले हनुमान का तस्वीर रहता है, देखे कि नहीं? सबसे, क्योंकि राम कथा की सबसे बड़े रसिया कौन है? श्री हनुमत, सबसे पहले उनकी तस्वीर रहेगा, क्योंकि हनुमान सबसे पहले आते हैं, आकर के जहाँ ये कथा होती है उनको पहले प्रणाम करेंगे, जो कथा बोलते हैं उनको प्रणाम करेंगे, जो कथा सुनते हैं उनको प्रणाम करेंगे, और हाथ जोड़ करके प्रेम से प्रभु की कथा सुनेंगे। जब सबके सब चले जाएंगे हनुमान जी, फिर सबका चरण धुली लेकर के, वहाँ की चरण धुली लेकर के प्रणाम करके, फिर हनुमान जी वहाँ से जाते हैं, क्योंकि राम कथा के सबसे बड़े रहस्या कौन है? श्री हनुमत लाल जी। इसलिए कहते जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ प्रभु राम की कीर्तन होना, वहाँ तत्र तत्र वहाँ पर उतना रूप धारण करते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए प्रेम से हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसलिए हनुमान जी सत्संग से, सत्संग की बड़े प्यारी श्री हनुमत लाल जी, इसलिए इनका जो आदर्श है ये हमें ग्रहण करनी चाहिए। जो तुलसीदास जी का नाम सुने ना, तुलसीदास जी कहते, जो तुलसीदास जी ये जब शौच क्रिया में जाते थे, एक लोटे में पानी ले जाते थे, और शौच क्रिया के बाद में शौच क्रिया करके उसमें जो थोड़ी सी पानी बच जाती थी, एक नीम वृक्ष था उसको जड़ में डाल देते थे, और उसी वृक्ष में एक भूत रहता था, जो प्रेत रहता था। कहते प्रेत तो कौन सा पानी पीते हैं? अपवित्र पानी। पवित्र पानी प्रेत नहीं पी सकते, लेकिन उसी पेड़ में जो प्रेतात्मा रहता था, जब वो पानी डाल देते थे ना, वो उसी पानी को पी करके प्रेतात्मा जिंदा रहता था, अपवित्र पानी। एक दिन प्रेतात्मा तुलसीदास को दर्शन दिया, बोले बेटा तेरे पानी से ही मैं जिंदा हूँ। बोले मेरे पानी से? बोले अब लोटे का जो पानी बच जाती इसे यहाँ डाल देते हैं ना, ये अपवित्र पानी, इसको मैं पी पी कर जिंदा हूँ, मैं प्रेतात्मा हूँ, मैं तेरे ऊपर मैं खुश हूँ, बताओ तेरे को क्या चाहिए। तुलसीदास तो राम भक्त है, बड़ा चतुर है,
वो जानते हैं अगर प्रभु राम की भक्ति मिल गया ना बस सब मिल जाएगा, राम दर्शन हो जाए। तब उन्होंने बोले मुझे मेरे प्रभु राम लक्ष्मण का दर्शन करवा सकते हो। तो प्रेतात्मा ने बोला अगर मैं तुमको राम लक्ष्मण का दर्शन करा सकता था फिर मैं ये प्रेत जन्म में क्यों पड़ा हुआ, पहले तो मेरी उद्धार हो जाता ना, मेरी तो उद्धार हो जाती, लेकिन मैं तेरे को उपाय बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले अमुक स्थान पर जाना, रोज वहां राम की कथा होती है। अब देखना कथा में सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा, कथा प्रारंभ से पहले ये सबसे पीछे बैठेगा, एकदम कपड़े एकदम गंदे कपड़े से, एकदम रुगना शरीर है, और आकर के पहले कथा स्थली को प्रणाम करेगा, सबको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके प्रेम से गदगद होकर कथा सुनेगा। और जो कथा विश्राम हो जाएगा ना वो जाएगा, वो हनुमान है। अब उनको चरण पकड़ लेना, बस उनकी कृपा हो गया ना, राम मिल जाएंगे। तो उन्होंने सचमुच से कहे, वहां पर देखा कथा से सबसे पहले वही व्यक्ति सचमुच से आए और पीछे बैठ करके गदगद होकर कथा सुने। जब कथा विश्राम हो गया, जब जा रहे थे, तुलसीदास जी चरण पकड़ लिए, बोले देख तेरे ऊपर क्या करेंगे, छोड़ना नहीं चरण, वो हनुमान जी। बस चरण पकड़ लिए हनुमान जी। हनुमान जी बोले अरे मेरे को छोड़ लिया, मैं शूद्र हूँ, मैं जाति में निकृष्ट तो अपवित्र हो गया, मेरे शरीर में कुष्ठ व्याधि कूढ़ है, मेरे को तुमने छोड़ छोड़। लेकिन बोले प्रभु मेरे को वंचना मत करो, मेरे को प्रेतात्मा भूत ने बताया आप हनुमान हो, इसलिए मेरे को थोड़ी राम का दर्शन करा दो। हनुमान जी बड़े दयालु बड़े कृपालु हुए, बोले ठीक है काम करना। कहते चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक दे रघ। तुम कहाँ चले जाना, चित्रकूट के घाट पे, वहां पर रोज राम सीता स्नान राम लक्ष्मण स्नान करने के लिए आते हैं, तुम वहां चंदन घिसना। ठीक है, चंदन घिस करके जो स्नान करके आएंगे उन सबको चंदन लगाना है, चंदन लगा कर गाते वहां राम सीता आ जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। तब वो गए वहां चंदन घिस करके जो जो आए चंदन लगाए। लेकिन तुलसीदास का एक नियम था, वो कभी भी सर उठा करके नहीं देखते थे, हर समय अपना सर को नीचा करके चलते थे, हैं अपना पैर को नीचे, कोई कीड़े मकोड़े नहीं आ जाए उनको, ऊपर कोई पैर नहीं पड़ जाए, केवल इतना दूर तक देखते थे, कभी सर उठा कर नहीं देखते। बोले क्यों नहीं देखते थे, कहते ये आंखें है ना, ये जितने दुष्ट है ये आंखें, जितना सारे गंदे की अब भजन करने के लिए बैठो, ये आंखों ने जो जो चीज देखा होगा ना, अब देखना भजन करने के लिए बैठो वही वो चीज, तो तुमने आंखों में वही वो चीज जो जो चीज देखा तो वही तो स्मरण होगा ना है। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने आंख ही फोड़ दी, क्यों उन्होंने भजन करने के लिए गए, भजन के लिए आंख ने देखा, फिर उल्टी सीधी चीज में ये आंख फिर देखना शुरू करता है। इसलिए बोले भैया न रहेगा बांस न बजे की बांसुरी, ये आंख रहेगा उल्टा पुल्टा चीज देखेगा तभी तो उल्टा पुल्टा चीज को स्मरण करेगा ना है। इसलिए ये आंख ही उन्होंने फोड़ दिया, पूरा पूरा आंख ही फोड़ दी है। इसलिए तब इन्होंने देखा ये आंखों में जो चीज देखोगे ना वही चीज तो स्मरण करेगा ना, भजन करने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने सर कभी ऊंचा नहीं करते थे, सर नीचा करके चंदन जो आए चंदन लगाए, चंदन लगा, राम लक्ष्मण आए थे उनको चंदन भी लगा दिया, चले भी गए लेकिन दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सर को नीचे करके बैठे हुए थे। इतने में क्या हुआ, फिर आए हनुमान जी का चरण फिर पकड़े, बोले प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। बोले प्रभु तो आए हुए थे तुमने देखा ही नहीं है, तुम तो सर नीचे करके बैठा हुआ था। बोले भैया मैं तो सर ऊंचा कर ही नहीं सकता, मैं तो ये आंखों से प्रभु का मूर्ति सिवाय और कुछ मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ, ये आंख जितने दुष्ट हैं। इसलिए बोले ठीक है तुम आज फिर चलना। बोले ठीक है, फिर चंदन हनुमान जी पीछे बैठ गए, पीछे बैठ करके जब राम लक्ष्मण आए ना, सबको तो चंदन लगा रहे थे, जब राम लक्ष्मण आए हनुमान जी पीछे पीछे से इशारा किया, बोले देखो प्रभु सामने, देखो राम लक्ष्मण सामने ऊपर देखो। जब उन्हें ऊपर देखा फिर उनको श्री राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ, किसकी कृपा से, हनुमान की कृपा से है, इनकी कृपा से ही प्रभु का प्रेम, इनकी कृपा से ही प्रभु दर्शन होता है। इसलिए हनुमान हम सबको ऊपर में कृपा करें, प्रभु की हर अवतार में हनुमान आते, कृष्ण रूप में आए तो गोपीश्वर महादेव बन करके आए, रामलीला में हनुमान बन करके आए, चैतन्य महाप्रभु लीला में अद्वैत आचार्य बन करके आए। कहते ये हनुमान की जो लीला है शंकर जी के, इनके बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं। इसलिए ये हम सबको ऊपर में कृपा करे,
जैसे प्रभु की प्रेम और प्रभु की भक्ति, और इन्होंने जैसे एकनिष्ठ होकर के प्रभु की उन्होंने सेवा की है, हम भी एकनिष्ठ होकर के प्रभु की सेवा कर पाए तब हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, बोले श्री हनुमत लाल की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, बोले श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, बोले श्री अयोध्या वासियों की, जय श्री दशरथ महाराज की, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा देवी की, सपरिकर श्री रामचंद्र की, जय जय श्री राधे निताई गौर भगवान। बोलो ठीक है, बोलो बल रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम, जय रघुपति राम
प्यारी लाल की जय।